के लोक का है। ये स्पष्ट दिख रहा लिखा है, द्वादश कमल हृदय के माही तहां जंग गौर, ये सावित्री और शिव और भगवान पार्वती ही रहते हैं, ये वहां तक का है। सोहम शब्द ये आपके सामने है, सोहम शब्द तहां दुन छाई गण करें जय जयकारा है, ये यहीं तक उड़ जा रहे हैं सभी नामों से। ये षोडश कमल कंठ के माही तेहिस मध्य बसे अविद्या बाई, और हरि हर ब्रह्मा चवर ढुराई तहां श्रीयम नाम उचारा है। इस शक्ति का नाम ये है वास्तव में, या इन्होंने सतनाम मिला लिया, श्रीयम की जगह सतनाम लिख लिया। अब ये देखो ये काल तक के ही है सारे नाम, और यही तीनों नीचे ही तक के कमलों के। फिर है कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड बंझारा, ये एक शरीर केंद्र है। सतशंकर सतगुर सिरधारा वहां वहां सतनाम उचारा है, इनसे ऊपर एक सच्चे नाम का जाप करना पड़ेगा। ये तो करने ही, जो हम प्रथम बार आपको देते हैं ये मंत्र हैं वो करने के, जो पार्वती और शिव को शिव ने दिए थे। आगे चलिए, ये डाकनी साकनी सब कलकार है, सतनाम सुन बाजे सारे। ये देखो डाकनी साकनी बहु कलकार है, जम किंकर धर्म दूत अहंकार है, सतनाम सुन भाग्य सारे जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कबीर साहब बता रहे हैं कि ऐसा इस काल ने मेरी ही ऊपर की नकल यहाँ पर नकली बना रखी है। नीचे जो आखिरी यहाँ लाइन है देखिएगा कि सारे कमलों को बता बतू का कबीर साहब क्या कहते हैं, ये ऊपर लिखा है ना, हर एक ब्रह्मांड में हर एक लोक में एक भंवर गुफा बनी हुई है। सैंस 88 दीप बनाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत सदा अखंड सदाए, तह सोहम सब झनकारा है। अब हर एक भंवर गुफा में जिसके भी लोक को आज जाओगे वहां पर ये सोहम सोहम ऐसा अपने आप ही आवाज आती रहेगी, लेकिन वो जाप कहाँ ले जाएगा, ये केवल शिव लोक तक आपको दिखाया था पीछे। सोम हद तजी जब भाई सतलोक की हद पुनाई, आए है। अब इसको ये सतलोक, कई तो विष्णु लोक को सतलोक मान लेते हैं। अब यहाँ सतगुरु बता रहे हैं अपनी, लेकिन इन्होंने कहाँ बना दी वो आप देखिए। उठत सुगंध महाधिकाई जाका वार ने पारा है, षोडश बानु हंस का रूपा बिना सत धुन बजे अनुपा, ये सतलोक की बताती हुई फिर बताएंगे कि ये काल का जाल इस माया के द्वारा यही उलझा लिया। अब क्या बताया कि हंसा करत समरशर भूपा सत पुरुष दरबारा है, ये सत पुरुष दरबारा, सतलोक की हद पहुंच गए वहां सत पुरुष है। फिर है उसके करोड़ सूर्य कोटिन भानो उदय जो हुई ऐते ही पुन चंद्र खलोई, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की सतलोक में शरीर की व्यवस्था, आकार रूप में मनुष्य है, पुरुष है तो भगवान है, पुरुष है मनुष्य है रूप में वो सतपुरुष सच्चा भगवान सच्चा मालिक उसका दरबार है, और उसके सतलोक में उसी की महिमा करोड़ सूर्य और करोड़ चांद मिला दे, ऐसी उनकी एक रूम की शोभा है। पुरुष रोम सब एक न होई ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा सतपुरुष परमात्मा का दर्शन है, दीदार है ना। और ये राधा स्वामी वाले कहते हैं वो तो निराकार है, और कबीर साहब कहते हैं ऐसा दर्शन है उस मालिक का, दर्शन वहां दिखाई देगा, उसके एक रूम में इतनी चमक है। आगे अलख लोक है भाई अलख पुरुष तहां ठुकराई, अरबन सूर रोम सम नाही ऐसा अलख निहारा है, उसके एक रोमकूप यानी शरीर है तो रोमकूप है अन्यथा नहीं है, तो उसका ऐसा वो अलख पुरुष देखा है उस कबीर परमात्मा की, अलख लोक में ऐसी शोभा है। अर्बन रोम सोम आगे अलख लोक है भाई अलख पुरुष की तां ठुकराई, अर्बन रोम सब नाही ऐसा अलख निहारा। फिर ता आगे अगम महलिक साजा अगम लोक है, अगम पुरुष ताही को राजा, खरब खरब सूर्य रोम एक लाजा, एक रोम कूप की इतनी शोभा है कि खरबन ये खरब रोम सूरज भी फीकी पड़ जावे। ताके अके लोक है भाई उस ताके अके लोक है, पुरुष अनामी तहां रहाई, ता पहुंचे जाने का वाही कैन सुनन से न्यारा है। अब यहां देखो
काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। पिंड और अंड और शरीर ये एक ही है, एक अंड के अंदर है ये नकली जो मैं बता रहा हूं। यो है तो वास्तव में सतलोक में, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये ऐसा ही सकाल ने यहां नकली भी बना रखा है अपनी माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, इस शरीर में पिंड और अंड ये एक ही शरीर को कहा, ब्रह्मांड को। माया अविगत जाल पसारा, इस माया ने ऐसा खतरनाक अविगत जिसकी कोई नहीं जान सकता, जो सो कारीगर भारा है, आधी माया इस प्रकृति ने की नहीं चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड रचाई। जो मैंने वास्तविकता बताई है ऐसी ही इस माया ने काल की के दबाव से यहाँ एक झूठी रचना रच रखी है, वही सतलोक अलखोक अनामिलोक की। और ताका प्रतिबिंब डारा है, उसका ही ज्यों का त्यों एक कॉपी की है। प्रतिबिंब वास्तविकता नहीं, जैसे शीशे में कोई चीज देखा है और वह वास्तविक थोड़ी होती है, दूर से राजा का महल दिखा दे और दर्पण में, वो तो प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं है। ऐसा ही इसने नकली जाल यहाँ फैला रखा है। इसमें ये नकली नाम जपने वाले हंस और संत भक्त यहाँ तक उलझे रहेंगे, और जो बीड़ी शराब मास्टमा को पीते हैं वो तो कहीं भी के भी कोई ना। शब्द विहंगम चाल हमारी, ओए हाय क्या बताते हैं कि हम तो उससे आगे जाएंगे। शब्द विहंगम कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, उस सार नाम को लेकर और शब्द सार शब्द को प्राप्त करके हम तो पक्षी की तरह उड़ जाएंगे, कह कबीर सतगुरु दे तारी। ओए हाय, कहते हैं ये सतगुरु, क्योंकि कबीर परमात्मा अपना ही भेद स्वयं ही हंस बनकर दे रहे हैं कि वो पूर्ण संत ही ये रास्ता देगा आपको, दे तारी यानी ये लौ लगा दी हमारी, ये रास्ता बता दिया। खुले कपाट शब्द झनकारी, अब सतलोक में जाकर वो वास्तविक ऊपर जाकर के उस तीन नाम के मंत्र ने ओम और बाद में दो नाम और मिलेंगे, उसके बाद फिर वहां जाने के बाद वो वास्तविक धुन आपको सुनेगी। जब तक कि शरीर में जो कुछ सुन रहा है ये काल की धुनें हैं। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ओए होए, इस अंड और पिंड तय, अब इस काल के लोकों से, क्योंकि एक अंड में भी यही रचना है और पूरे काल ने अपने 21 ब्रह्मांड को भी एक अंड रूप में ही रोका हुआ जैसा आपने देखा। इस अंड और पिंड से पारसो देश हमारा है, वो सतलोक तो इनसे आगे है और वो तीन मंत्र के जाप से जाएगा। ये सतलोक का और सब कुछ जानकारी कबीर साहब के ही शास्त्र से इन संतों को ही है, इनका अपना कोई उससे पहले ज्ञान नहीं है।